जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बनाएंगे व्रत वाले नाश्ते की रेसिपी। आलू से बना व्रत का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता रेसिपी, जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में या फिर लंच में या फिर डिनर में खाइए। इसे खाने के बाद आपको पूरे दिन भूख नहीं लगेगी और बनाना भी इससे बहुत ही आसान होता है। बहुत ही झटपट से ये 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो जब हम व्रत रखते हैं तो सोचते हैं कि कुछ ऐसा बनाएं जो झटपट से बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो। तो इस तरह से आप आलू का नाश्ता बना के तैयार कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, जो कि सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे कच्चे आलू। तो आलू को हम पहले से छील के धो लिए थे अच्छे तरीके से। तो मीडियम साइज़ के हम 4 आलू लिए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से इसके छिलके को उतार के अच्छे से वॉश कर लिए है। अब हम इसे ग्रेट करेंगे। तो मोटे वाले साइड से हम ग्रेट करेंगे, तो मोटा वाला ग्रेटर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से हम ग्रेट करेंगे। एकदम लच्छेदार आलू को ग्रेट करना रहता है। ध्यान रहे, पतले वाले से बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका नाश्ता अच्छे तरीके से बनकर तैयार नहीं होगा। हमेशा मोटे वाला ग्रेटर से ग्रेट कीजिएगा। तो इस तरह से एक एक आलू को हम उठाएंगे और इसे हम अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो 4 आलू से हम इस नाश्ते को बनाने वाले हैं और आप देख सकते हैं, हम आलू को एकदम अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिए हैं, एकदम लच्छेदार ग्रेट किए हैं। और इसे अब हम मलमल के धो लेंगे, क्योंकि आलू छीलने के बाद ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो बस इसे ग्रेट करते ही पानी में डालना रहता है। तो सारे आलू को हम ग्रेट किए हुए आलू को पानी में डाल ले रहे हैं। अगर ज़्यादा आलू है तो आप ग्रेट करते समय ही पानी में डालते जाइएगा। तो इस तरह से हम ग्रेट करके अब पानी में डाल दिए हैं। अब हम इसे 3 से 4 पानी से अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, एकदम मलमल के, ताकि इसका जो भी स्टार्च है वो बाहर निकल जाए। तो इन आलूओं को हम 3 से 4 पानी से धोएंगे, बदल बदल के पानी को, और आप देख सकते हैं एकदम क्लीन पानी हो चुका है और एकदम लच्छेदार हमारा आलू धोकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे, ताकि हमारा नाश्ता एकदम अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो। तो इस तरह से एक स्ट्रेनर लेंगे, उसमें हम सारे आलू के लच्छे को डाल लेंगे, ताकि इसका पानी जो है अच्छे से झर जाए। और एकदम इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो कॉटन के कपड़ा में डाल के इसे पोंछ लीजिए। अगर आपको तेजी है तो कॉटन के कपड़ा में डाल लीजिए, नहीं तो इस तरह से स्ट्रेनर में रख के इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि पानी जो है अच्छे से झर जाए। और 5 मिनट बाद हम नाश्ते को बना लेते हैं। तो इस तरह से एक पैन लेंगे, उसमें आप घी या ऑयल जो भी व्रत में खाते हैं उसे यूज़ कीजिए, 4 चम्मच डालेंगे। साथ में इसमें हम आधी चम्मच जीरा डाल लिए है, 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, जो कि रेड हो चुका है, ताज़ी है पर रेड हो चुका है। और साथ में हम अदरक डाल ले रहे हैं, तो अदरक हम आधे इंच लिए थे, उसे ग्रेट कर लिए थे, इसमें डाल लेंगे। बहुत अच्छा इसे टेस्ट आता है। और जैसे ही ये चटक जाए तो इसमें हम आलू को डाल लेंगे। तो सारे लच्छे को हम डाल लेंगे और पानी अच्छे से ड्रेन होने के बाद ही आप डालिएगा आलू को, ताकि जो आलू का नाश्ता हम बनाए तो चिपके नहीं और एकदम खिला खिला सा बनकर तैयार हो। तो इस तरह से सारे आलू के लच्छे को हम डाल लिए हैं और अब हम इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो हम इसे लगातार चलाते हुए नहीं भूनेंगे, 1-1 मिनट में हम बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे, ताकि इसका लच्छा जो है वो टूटे नहीं और हमारा नाश्ता एकदम अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो। और एकदम आंच का फ्लेम हाई ही रखिएगा, अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जो है आलू चिपकने लगेगा। और इस तरह से हम बीच बीच में चला के अच्छे तरीके से इसे भूनेंगे। तो जैसे ही 3 से 4 मिनट होता है, आलू हमारा पक जाता है, बहुत ही जल्दी ये पक कर तैयार हो जाता है। तो इस नाश्ते को आप व्रत में 5 से 7 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता यह जो है बनकर तैयार होता है। तो इस नाश्ते को आप बिना व्रत के भी खा सकते हैं, शाम के स्नैक्स के टाइम पे आप इसे ले सकते हैं चाय के साथ में, बहुत ही मज़ेदार लगता है और कुरकुरा से बनकर तैयार होता है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर ले रहे हैं। तो आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल ले रहे हैं। अगर व्रत में नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और साथ में हम डाल ले रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, व्रत वाली नमक, सेंधा नमक इसमें डाल लेंगे और फिर अच्छे तरीके से हम 1 मिनट चला के भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन है वो चला जाए और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। तो तीखा आप अपने अनुसार रखिएगा और नमक अपने स्वाद अनुसार रखिएगा। और इसे लगातार चलाते हुए हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको हम ढक कर नहीं पकाते हैं, बस इसे हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए पकाते हैं और 5 से 7 मिनट में ये पक कर एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं एकदम लच्छेदार हमारा जो ये नाश्ता कर तैयार हो रहा है। और जैसे ही हमारा आलू पक जाए तो अब हम इसमें डाल लेंगे भुना हुआ मूंगफली का पाउडर। तो इस तरह से दरदरा पीस कर हम डाल ले रहे हैं। तो इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रंचीपन आता है हमारे इस नाश्ते में। तो भुना हुआ हम
मूंगफली पाउडर 4 चम्मच डाले हैं, कटोरी से आधी कटोरी हम डाल लिए हैं और फिर इसे आलू के साथ में मिक्स कर लेंगे। इससे हेल्दी और टेस्टी हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा, तो इसे तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और फिर इसे लगातार चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। अगर आप मूंगफली नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर खाते हैं तो ज़रूर डाल के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हमारा नाश्ता जो है एकदम खिला खिला सा बनकर तैयार हो गया है और एकदम 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और इस तरह से तोड़ने से आप देख रहे हैं आलू एकदम अच्छे तरीके से हमारा पक चुका है और एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुका है भून कर ये। तो अब हम इसे निकालेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। तो चलिए इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप व्रत में बना के खाएंगे तो आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी और आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है ये नाश्ता। तो इस तरह से सर्विंग प्लेट में लगा लेंगे। तो इसे हम खीरे के रायते के साथ सर्व कर रहे हैं, आप चटनी के साथ भी खाइए, बहुत मज़ेदार लगता है, या फिर कोई भी व्रत वाले रायते के साथ खा सकते हैं। और साथ में हम इसमें खीरे के स्लाइसेस रख दे रहे हैं। और लीजिए, हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है। इसे गर्मा गर्म बना के व्रत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये नाश्ता है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा और इस तरह से अपने घर में आलू का नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे आप नॉर्मली ऐसे भी बना के खा सकते हैं बिना व्रत के भी, बहुत ही मज़ेदार का ये स्नैक्स तैयार होता है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।